ढल ढल है छाती लेकिन अभी संभाले नाती और उठाए विजय पताका। निराला आधुनिक हिंदी कविता के महाप्राण व्यक्तित्व के रूप में भारतीय कविता के परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। वो लंबे समय तक अस्वीकृत रहे, पर अस्वीकृति ने ही उन्हें महान बनाया, इस हद तक कि जीते जी मिथक बन गए, किंवदंती और कहानी बन गई। कहानियों पर कहानियां जुड़ती गईं, उनके संघर्ष की, प्रेम की, उन्माद की, विद्रोह की, उनके राग की कहानियां, उनके विराग की कहानियां। निराला आधुनिक कविता के कदाचित पहले व्यक्ति हैं जिनके काव्य में पूरी शताब्दी के स्वर अपनी विविध भंगिमाओं में मुखरित हुए हैं। निराला कभी भी टूटते नहीं, कभी भी झुकते नहीं, कभी भी कहीं कहीं से तमाम विपदाओं में, झंझावातों में घिर करके भी खड़े रहते हैं। कहीं कहीं उनके भीतर कोमलता शेष रहती है। निराला के बारे में यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। लोग कविता की चर्चा करते हैं तो उन्होंने कितना पढ़ा लिखा था, वो कितने बड़े विद्वान थे, ये बात भूल जाते हैं। संस्कृत में वो ऋग्वेद के बारे में बहुत सी बातें जानते थे। ऋग्वेद में जो सृष्टि सूक्त है उसी के आधार पर उन्होंने ये गीत लिखा है, कौन तम के पार रेक है। निराला 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवियों में से एक है मेरे लिए, और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरी दृष्टि में केवल हिंदी नहीं है, पूरा भारतीय साहित्य है, और एक हद तक कहूँ तो विश्व साहित्य भी है। निराला सच्चे अर्थों में विश्व कवि हैं, और निराला साहस और कल्पना के, जोखिम के, मुक्ति के, और भाषा में एक बहुत बड़े रेंज के कवि हैं। वसंत और निराला दोनों जैसे एक दूसरे के पर्याय हूँ। ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि मैं ही वसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, मैं रहा आज यदि पार्श्वच्छवी। वसंत ही था निराला की जीवनी शक्ति का एक अनिवार्य केंद्र। वसंत के चित्रों की भाषा की अलंकृति और अनुभव की राग दीप्ति ध्यान आकृष्ट करती है। जागी नयनों में बन यौवन की माया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया। अवध का जनपद धरती बैसवाड़े की, यहीं बहती हैं गंगा, लोन, सई नदियाँ। नदियाँ जो उर्वरता, उल्लास, जीवट का स्रोत हैं। महुओं की मादक गंध फैली है, अलस हवाएं बहती हैं, खिलते हैं तालों में कमल।
इसी गढ़ाकोला से चलकर पिता राम सहाय तिवारी जीविका के लिए महिषादल पहुंचे। माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 29 फरवरी 1899 महिषादल का वसंत पर्व था जब निराला ने जन्म लिया। नाम पड़ा सूरज कुमार, वही आगे बना सूर्यकांत त्रिपाठी। मतवाला काल में नई संज्ञा जुड़ी निराला। निराला के बाल मन पर जो संस्कार अंकित हुए उनमें अपने गांव घर गढ़ाकोला से लेकर महिषादल तक के अनेक अनुभव थे। एक संभ्रांत बंगाली जमींदार के घर उनके पिताजी रहते थे, उनके घर का वातावरण और उस समय के बंगाल का वातावरण जिसके ऊपर रामकृष्ण परमहंस की गहरी छाप थी, विवेकानंद के नवजागरण की छाप थी और यूँ भी बंगाल में जो शक्ति पूजा अपराधान है उसकी छाप थी। लेकिन यह बात तो एक धरातल पर हुई, दूसरे धरातल पर निराल जी ने जैसे कहा है, कई जगह कहा है, उनकी माँ बैसवाड़े की थी, ठेठ बैसवाड़े की थी। उनका कंठ बड़ा ललित था और रूप अतिशय सुंदर जो निराला को वसी विरासत में मिला था। निराला की जीवन कथा गढ़ाकोला से जुड़ी है, जुड़ी है डलमऊ से, जहाँ पत्नी के रूप में मिली मनोहरा देवी, जिनके स्वर में रागिनी बसती थी। पर जीवन बहुत नहीं मिला मनोहरा देवी को, एक दिन वो नहीं रहीं, फिर उन्हीं की गीति सृष्टि बेटी सरोज नहीं रही, निराला अकेले होते चले गए। मेरे पिता महाकवि निराला जी बंगाल में जन्मे, महिषादल स्टेट में, मेदिनीपुर जिले में। मेरा उनके साथ बचपन में रहने का ज़्यादा समय ऐसा नहीं रहा। 22 साल की उम्र में मेरे पिता विधुर हो गए, मेरी माता मनोहरा देवी का निधन दलमऊ रायबरेली निराला जी के ससुराल मेरे ननिहाल में हुआ। उस समय मैं 4 साल के लगभग था। मेरी बहन सरोज 1.5 साल की थी। निराला जी की उम्र उस समय 22 साल की थी। फिर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। निराला की काव्य यात्रा का पहला चरण 1920 या और पहले से 1938 तक फैला है। आरंभिक यौवन वसंत की पहली महत्वपूर्ण रचना है जूही की कली। निराला नाम कवि का अपना रखा हुआ नाम है जो आगे चलकर एक अद्वितीय फक्कड़ विद्रोही व्यक्तित्व का पर्याय सा बन गया। जीविका की समस्या थी पर कहीं टिक कर रहना स्वभाव में था ही नहीं। 1921 में निराला ने कविता लिखी, जब कड़ी मारें पड़ी दिल हिल उठा। असहयोग आंदोलन की खबरें मिल रही थीं। निराला लिख रहे थे बादल राग, जागो फिर एक बार। राग अमर अंबर में भरा निज धोर, झूम झूम मृदु गरज गरज गान को, गरज गान को, गरज गान को। निराला
एक नए राग को हमारे सामने ले आते हैं, बादल राग। ये राग तो बहुत होते हैं लेकिन बादल राग ये क्या राग होगा? इस राग की सृजना उन्होंने बादल राग कविता में की है और उसे साफ जाहिर है कि वे बादल राग को किसानों के पक्ष में, छोटे लोगों के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में ले आना चाहते हैं। वर्षा चित्रों का संवेदनात्मक अनुभव निराला का प्रिय विषय है। निराला एक साथ बहुतों से टकरा रहे थे, राजनेताओं से, संपादकों से, समकालीन कवियों से। मई जून के महीने में मैं किसी काम से स्टेशन गया हुआ था और निराला जी भारती भंडार से होकर के लौट रहे थे और भारती भंडार में वहाँ के जो व्यवस्थापक लोग थे उनसे उनका कुछ मतभेद हो गया था तो वो दस्तखत नहीं करते थे तो उनकी रॉयल्टी उनको मिलती ही नहीं थी। तो स्टेशन के सामने कुछ मिट्टी के सुराही और बर्तन बेचने वालों की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने दो घड़े खरीदे। इतने में मैं पहुँच गया तो मैंने कहा कि ये घड़े आप कहें, हाँ ये घड़े हमने ले लिए हैं, इनमें पानी भर कर रखूँगा ठंडा और हिंदी लेखक को तो अब पानी पी कर के जिंदा रहना है, खाना खा के नहीं जिंदा रहना है। उनका अधिकांश लेखन उस समय हुआ जब भारतीय जनता अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। निराला जी जो थे पर स्वार्थी थे, जो भी मिलता था वो पर स्वार्थ में लगाते थे। वो अपने परिवार के लोग जो थे वो निराला जी की लालची में थे कि धन के लालच में, निराला जी धन को त्याग दिए थे। निराला जी मेरे फूफा थे, वो दलमऊ में उस समय उनके हुए थे। अक्सर वो कहीं भी जाते थे तो दलमऊ दो चार दिन बाद लौट के आ जाया करते थे। निराला जी का शरीर पहलवानों जैसे शरीर का था, तंदुरुस्त थे और वो अक्सर अपने कविता के मूड में घूमा करते थे, टहला करते थे और जब कोई बात याद आ जाती थी तो लेट जाते थे, एक लाइन लिखते और लिखने के बाद फिर टहलने लगते। निराला ने मूर्ति विधान के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग किया। कविता में संध्या सुंदरी हो गई थी और मेघमय आसमान के पथ से उतर रही थी। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। निराला के लिए स्त्री केवल कल्पना का विषय नहीं थी, इलाहाबाद के पथ पर संघर्ष करती पत्थर तोड़ती स्त्री भी निराला की कविता का विषय थी। वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत्मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार,
सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। जिस दौर में वह तोड़ती पत्थर कविता लिखी गई, उसी में इस कविता के पहले ही लिखी गई सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वो लंबी कविताएं जिन्हें महाकाव्य का विकल्प कहा जाता है। खद्दर की एक धोती और खद्दर का कुर्ता दामाद के लिए, और खद्दर की एक धोती ब्लाउज सरोज के लिए, इतना ही कर सके और आसपास के गांवों को आमंत्रित कराए। पहले तो गांव वालों ने विरोध किया, क्योंकि शादी उन्होंने श्रावण के महीने में, जबकि शुक्रास्त था, लगने नहीं थी। पंडितों ने, गांव वालों ने विरोध किया, मगर निराला जी ने कहा नहीं, शादी होगी। और उन्होंने आंगन में एक खम्भा गढ़वाया, कलश की स्थापना की, और शिवशेखर द्विवेदी और सरोज को मंडप में आंगन में बुलवाया और साहब शादी कराने के लिए पंडित जी ने कहा मुकुट चाहिए, मोर चाहिए, मोर। तो मोर कहाँ था, मोर तो बनवाया नहीं गया था। निराला जी ने कहा तुलसीकृत रामचरित मानस ही सिर मोर है, उसी को नाउन लेकर कर बर के सिर के ऊपर खड़ी हुई। और एक घंटे में सरोज और शिवशेखर का विवाह संपन्न हो गया। इसी दौर की महान लंबी कविता राम की शक्ति पूजा, जिसमें राम राम न थे, निराला ही थे, लड़ते हारते फिर लड़ते, राम कथा में एक नया हस्तक्षेप, तुलसीदास में भी निराला का अपना संघर्ष था। जब वह तुलसीदास के काव्य का दार्शनिक महत्व मुझे समझा रहे थे, तब मुझे अनुमान नहीं था कि वह तुलसीदास पर कविता लिखने की बात सोच रहे हैं, पर कुछ ही दिनों में उन्होंने तुलसीदास पर कविता लिखना शुरू किया। और तब मुझे याद आया कि ये तुलसीदास को जिस दार्शनिक के रूप में देखते हैं, उसी रूप में अपनी कविता में उनका चित्रण कर रहे हैं। गीत में कथा, कथा में गीत, निराला ही लिखते हैं। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु, सबके दाव बंधु, पूछेगा सारा गांव, पूछेगा सारा गांव बंधु, सारा गांव बंधु, बांधो न नाव ठाव बंधु, किस ठाव बंधु। जिस मकान में रहते थे वो बेनी माधव मंदिर के सामने एक पंडे का मकान था, और मैसन गुप्त वहीं उनसे मिलने गए थे, और उन्होंने कहा कि आप बिना
जल पिए नहीं जाएंगे, और चले गए गंगा तक। करीब घंटे भर तक उन्होंने मांझ करके कलश और गंगा से भर करके लाए। वैष्णगुप्त बैठे बैठे प्रतीक्षा करते रहे। जब आए तो उन्होंने कहा कि आप विष्णु हैं, मैं शुद्ध जल त्रिवेणी से लेकर आया हूँ, आप उसे पियेंगे। सामान्य जल मेरे पास था मगर मैं आपको दे नहीं सकता। उनकी वैष्णव भक्ति और नारद जी की शक्ति भक्ति दोनों ही असाधारण थी। इस बीच आई बेला नए पत्ते की कविताएं। नए पत्ते में यथार्थ की रूपरेखाएं, संघर्ष का तीखा स्वर, दलित चेतना की अभिव्यक्ति भी। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ आओ। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ आओ। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ आओ। आज अमीरों की हवेली, पाली चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। धोबी पाली चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। एक पाठ पढ़ेंगे नाट बिछाओ, एक पाठ पढ़ेंगे नाट बिछाओ, नाट बिछाओ। इसी विचार को अभिव्यक्ति मिली कुल्ली भाट, चतुरी चमार जैसी कृतियों में। अरे बिलखी बिलखी के तिरिया रोवे, टूट गई रे मेरी जोड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी। चतुरी, तुम पढ़े लिखे होते तो 500 की जगह पाते। काका, कहो तो अर्जुनवा को पढ़े के लिए तुम्हारे पास भेज दिया करें। तुम्हारे पास पढ़ जाएगा, तुम्हारी विद्या ले लेगा, मैं भी अपनी दे दूंगा। तो कहो भगवान की इच्छा हो जाए तो कुछ हो जाए। भेज दिया करो, दिया घर से लेकर आया करे, हमारे यहाँ एक ही लालटेन है, बहुत नज़दीक घुसेगा तो गांव वाले चौंकेंगे, आगे देखा जाएगा। लेकिन गुरु दक्षिणा हम रोज लेंगे। घबराओ मत, सिर्फ बाजार से हमारे लिए गोश्त ले आना होगा और महीने में 2 दिन चक्की से आटा पिसवा लाना होगा। उसकी मेहनत हम देंगे, बाजार तो तुम जाते ही हो। ठीक है काका। चतुरी भाई, तुम्हारे जूतों की बड़ी तारीफ है। हाँ काका, 2 साल चलता है। काका, जमींदार के सिपाही को हर साल 1 जोड़ा देना पड़ता है। 1 जोड़ा वो भगनवा देता है, 1 जोड़ा पंचमा। जब मेरा ही जोड़ा मजे में 2 साल चलता है तो कोई ज्यादा लेकर चमड़े की बर्बादी काहे करे। कुल्ली भाट कुल्ली का जीवन चरित भी है और निराला का आत्मचरित भी। आपने दूसरी शादी नहीं की? करने की आवश्यकता ही नहीं मालूम दी। तो रहते कैसे हैं? जिस तरह से एक विधवा रहती है। एक मुसलमानिन है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझ पर जान देती है,
ले चलने के लिए कहती है, तो आप किराया है ले आऊं? अवश्य ले आओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया है। निराला कविता की मुक्ति का ही नहीं, मनुष्य की सामाजिक मुक्ति का भी सपना देख रहे थे। पर क्या विडंबना कि जिन दिनों देश स्वतंत्र हो रहा था, भारत का नया यथार्थ रूप ले रहा था, निराला विक्षिप्त हो रहे थे। 1946 में अचानक प्रयाग छोड़ दिया। 1947 से 1949 तक निराला सन्यासी वेश में रहे। जीवन के अंतिम दिनों की कविताओं में मृत्यु ही नहीं है, जीवन भी है। प्रार्थनाएं ही नहीं, कौतुक विनोद भी है, लीला भाव भी। कितने अनुभव, कितने रंग। निराला जैसे कवि के लिए अंत शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जहां मृत्यु का आभास है, वहां भी जीवन की सघन स्मृतियां हैं। बंदी गृह वरण किया, जनता के हृदय जिया कहने वाला ये महान कवि आज भी जनता के हृदय में मौजूद है। ढल ढल है छाती, लेकिन कभी संभाले नहीं।